हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय चैनल। मोटा पेट किसी का भी अच्छा नहीं लगता, पुरुष हो या महिला, बच्चा हो या कोई भी। फ्लैट करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। हम घर पर, जिम, कहीं भी जाकर या अपने खान पान से, सबसे मेन चीज़ है टाइम के साथ टाइम टेबल भी चेंज करना पड़ता है, और खान पान सबसे नंबर वन है। इसलिए आज मैं आपको शक्लगंदी की चाट बनाना बता रही हूँ। हल्का फुल्का खाकर हम अपने वेट को भी कम कर सकते हैं। इस मौसम में शक्लगंदी आसानी से मिलती है, तो मैंने शक्लगंदी को अच्छे से धोकर कपड़े में लपेटकर और कुकर में रख दिया है। ये मेरी मम्मी बताती हैं कि शक्लगंदी में पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो उसका स्वाद चला जाता है। गीले कपड़े में लपेटकर उसको उबालना चाहिए। सीटी आने से पहले ही बंद कर दो। शक्लगंदी उबल चुकी हैं, अब मैं उनको छील रही हूँ। और जो शक्लगंदी के अंदर रेशे निकलते हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए शक्लगंदी हमेशा देख कर ही लेकर आएँ और उनको ज़्यादा नहीं उबालें, नहीं तो उनकी मिठास चली जाएगी। शक्लगंदी को अच्छे से छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ऐसी मैंने शुरुआत की, जब खाने पीने पर कंट्रोल किया था शुरुआती में, तो मुझे फ्रूट, चाट, दाल, सब्जियां, ये ही बहुत अच्छा लगता था। और मैं कंट्रोल तो नहीं कर सकती, लेकिन हल्का फुल्का ऐसे ही खाती थी। रोज़ रोज़ व्रत भी पढ़ते थे मेरे, तो सबकी डांट भी पड़ती थी, इसलिए मैंने अपने वेट को लूज करने के लिए सबसे पहले ये ही सब अपनाया। और केला यूँ तो वज़न बढ़ाता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही खाना छोड़ देंगे तो फिर 45+ के बाद तो वैसे भी एक हाउस वाइफ को अपना ध्यान रखना चाहिए। मुझे मॉडल दिखने का कोई शौक नहीं है, बस इतना चाहती हूँ कि हमेशा एक्टिव और एनर्जिक रहूं। उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, वॉक सबसे बेस्ट है, डांस भी कर सकते हैं, मेरा डांस वीडियो भी है और मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। सिंपल वेज टू गेट मोर ए एनर्जी इंक्लूडिंग स्ट्रेस रिलीफ एंड हेल्थी ईटिंग। कंट्रोल स्ट्रेस इंक्लूड इमोशंस, टेंशन किसके पास नहीं है फ्रेंड्स, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको टेंशन नहीं हो, तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हल्का फुल्का खाते रहें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। मैं पहले बहुत टेंशन लेती थी, फिर मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा, दीदी आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, खुश रहिए, अपने लिए जिया करो। आप खुद के लिए जिएंगी, अपने मन पसंद के काम करेंगी, तो सबसे बेस्ट रहेगा। और मैं तब से खुश रहने की कोशिश करती हूँ, टेंशन बिल्कुल नहीं लेती हूँ। ये चाट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, सबको आती है, बस इसके ज़रिए मैं कुछ अपने विचार, कुछ अपनी बातें आप तक पहुँचाना चाहती थी। अगर आप यह सोचते हैं कि 45+ वाले लोगों को यह नहीं करना चाहिए, तो प्लीज़ चेंज यू वे ऑफ थिंकिंग। अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना का ख्याल रखते हुए वर्कआउट एक्सरसाइज अवश्य करें। मेरी चाट तैयार है आपसे बात करते करते। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।